क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली। 1 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट डाटा लीक, दिल्ली में गिरोह का पर्दाफाश। यह गिरोह बैंक में काम करने वालों और कॉल सेंटर से जानकारी निकलवाता था और फिर उसे कौड़ियों के भाव बेच देता था। सिंबॉलिक। राजधानी में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश कर 1 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट डाटा लीक होने का खुलासा किया है। लोगों की क्रेडिट, डेबिट डिटेल और फेसबुक व्हाट्सएप डाटा जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी बेचे जाने की बात भी सामने आई है। गिरोह के मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया गया है। बैंक ऑफिशियल्स की मिली भगत से चलाया जा रहा था गिरोह। न्यूज एजेंसी के मुताबिक DCP साउथ ईस्ट आबानिया ने शुक्रवार को बताया, दिल्ली के ग्रेट कैलाश में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला 80 के केस की जांच करते हुए यह मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने बैंक ऑफिशियल्स की मिली भगत से चलाए जा रहे इस गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह में बैंक में काम करने वालों और कॉल सेंटर से जानकारी निकलवाई जाती थी और फिर उसे बेच दिया जाता था। मॉड्यूल ने बुजुर्ग महिला के क्रेडिट कार्ड से 1.46 लाख रुपए उड़ा लिए थे। कौन सी जानकारियां बेची जा रही थी? पुलिस के मुताबिक जांच में यह सामने आया कि लोगों के बैंक खाते, क्रेडिट डेबिट से जुड़ी जानकारियां बेची जा रही थी। इनमें लोगों का कार्ड नंबर, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जैसी इन्फॉर्मेशन शामिल थी। कितने में बेचा जाता था डाटा? गिरोह के मास्टरमाइंड ने पूछताछ में उसने बताया कि 50,000 लोगों का डाटा बेचने के वह महज 10 सेकंड 20,000 रुपए लेता था। गिरोह डाटा को बल्क में बेचता था। बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स, फेसबुक और व्हाट्सएप डाटा 20 पैसे प्रति कस्टमर के हिसाब से बेचे जाते थे। लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाता था गिरोह? गिरोह के लोग बैंक एम्प्लॉई बन लोगों को फोन करते थे और उनको CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर और OTP शेयर करने को कहते थे। इसके बाद वह उनके अकाउंट से पैसे निकालने में कामयाब हो जाते थे। इनके पास पहले से बैंक अकाउंट होल्डर की कुछ डिटेल होती थी, जिससे लोग इन पर भरोसा कर फंड्स जाते थे। गिरोह का ब्लॉक जैसे बहाने बना कर लोगों से पासवर्ड पता करता था। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड पूरण गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। कई लोगों से अभी पूछताछ जारी है। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 1 करोड़